मम्मी क्या किया ना, गांव से दी है मक्का लाके, बोली कि बेटा छोटा इतना बड़ा बड़ा होगा, मतलब मेरे साइज का होगा, अच्छी फलना जो देना शुरू हो जाएगा। पापा, ए देखो पापा, देखो कितना नजदीक नजदीक बोल रहे हैं। भिंडी कहीं नहीं डालेंगे ना, तो नहीं डालेंगे भिंडी को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का बज रहा है 7 और आप सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। घर आने के बाद ना बहुत सारा काम हो गया था, आप सभी जानते हैं कि अभी समय चल रहा है बरसात का सीजन। उससे पहले हम अपने किचन के बगीचे में कुछ कुछ सब्जियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पतिदेव जी ना कल से भिड़े हुए हैं और सारा कोड़ दौड़ एकदम करना शुरू कर दिए। इधर देखिए, इसको कल शाम को ही कोड़ दिए थे और इतना सारा घास आ गया था ना, फिर भी निकाए हैं। और किनारे किनारे बहुत सारा घास था, सब हटा दिए। और इधर देखिए, एकदम सुबह से भिड़े हुए हैं ये। हम अभी सोए हुए थे तो हमको लगा कि कोई कुदाल चला रहा था, तो पता चला देख के आए, बाप रे ये तो एकदम वाकई में। और हम लोग सोच रहे हैं इसमें क्या बोए, वैसे ही मक्का बोने का तो हमेशा प्लान होता ही है, तो पूरा पसीने पसीना हो गया। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या करें, अगर नहीं उठते सुबह नहीं करते ना तो धूप कपार पे आ जाता है, फिर काम नहीं हो पाता है। सोचे कि नहीं फट से कर लेंगे, बाबू लोग भी सुतल था तो काम हो जाएगा, इन लोग उठ जाता है तो कुछ करने कहाँ देता है, तो ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत ज्यादा घास था, इतना घास निकाल निकाल फेंके है ना, जो हालत में खराब हो गया। अकला बो सकते हो आप, उस तक बो सकते हो, वो जो मिट्टी है ना, मिट्टी अलग है, जो हम लोग को वह जो खुदा था ना, उसका जो मिट्टी चिकना वाला था वो वाला, इसके चलते वहाँ पर दिक्कत है, जल्दी सोखता नहीं है वो पानी। हाँ, बस बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं है, अभी बो दोगे बढ़िया है, कहीं अगर पानी गिर गया ना तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। वो तो है। इधर सब साग मुंह हटा दीजिए, लर छोड़ दीजिएगा, पूरा हटाइए वो सब। तो आप इस पे चढ़ते जा रहे हैं तो फिर तो दोबारा उतना ही भरना पड़ेगा। सब खा गया तो क्या करोगे, चींटी खा गया सब, फल फूल दे रहा है। आज बाबू जल्दी जल्दी उठ गया, नहा भी लिया है। पापा इस बात झाड़े गुल्लो, अभी टिफिन भी रेडी नहीं किए गुल्लो का। उस बैग में डालो, कलर डालो। क्या बदमाशी हो रहा है, देखिए पूरा धज्जिया उड़ा के रखे किचन का सारा सामान कैसे कर दिए हैं, पैर से मार मार के। और देखिए खेलने वाला कहाँ रखा है ये, दूसरी तरफ। इधर देखिए हम किचन में भिड़ चुके हैं, आटा ही मेरा गुंदा गया है। और ये देखिए आज बना रहे हैं पनीर का पराठा, जिसके लिए पनीर को चॉप कर लिए हैं अच्छे से, और ज़्यादा झाल नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों झाल नहीं खाता है ना उतना, इसीलिए बस हल्का सा प्याज ऐड करेंगे। अभी हो चुकी है शाम और अभी का मौसम कितना अच्छा है, सुबह सुबह इतना धूप था, इस धूप में हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो नाश्ता वास्ता खाना हमारा सब चीज़ हो चुका है कंप्लीट। लेकिन दोनों बाप बेटे, अभी बाबू स्कूल से आया है और अभी आए हुए हो गया 1-2 घंटा, और गया था मंदिर और जाकर देखिए कैसे प्रसाद दोनों बाप बेटा, हे भगवान। ये चल रहा है इन लोगों का प्रसाद, तो कैसे खा रहा है, चम्मच दे दो। कोई बात नहीं, खुद से सीखना बहुत जरूरी, चम्मच से नहीं खा पाता है, धीरे धीरे सीख तो रहा है मेरा बेटा ना। आलू खाता है, देखो गम है बेटा, गम ना ठीक है, नॉर्मल है। हल्का हल्का बूंद आ रहा था तो सारा कपड़ा उठा दिया, बस एक कपड़ा बाबू का पैंट बचा हुआ है। देखिए बाइक पे कैसे पानी पड़ा हुआ है, अभी लगा जोर शोर से पानी आएगा लेकिन आया नहीं, बस थोड़ा सा फुहारा आया फिर चला गया। और अभी चीकू सोया हुआ है तो फटाफट सारा काम भी हो जाएगा हमारा। दोस्तों बाबू आते आते ना खाना खाकर फिर गया टीवी देखने के लिए, क्योंकि टीवी छूट जाता है ना तो वो शुरू कर देता है। और देखिए मेरे हाथ में आम है, हस्बैंड जी को भिड़ा दिए हैं खेत में, ये लगे हुए हैं, तब तक सोच रहे हैं ना कि हम आम खा लेते हैं, क्योंकि इनका तो शादी वगैरह चीज़ हो ही गया। काजी हम खा लेंगे। और वैसे भी गाइस एक प्रॉब्लम हो गया है हमारे यहाँ, वो कभी आपको बाद में बताएंगे, तो पहले ये सब आम खा लेते हैं। और देखिए ना अभी कितना छाया लग रहा था, फिर सिर पर धूप आ गया, मर गया है, लेकिन इसका उस जड़ है ना अभी तक जिंदा है, पानी अगर गिर गया ना तो फिर से वही हाल हो जाएगा, 2 दिन लगातार पानी गिर जाएगा ना तो समझ गए पूरा घास फिर से निकल जाएगा, पूरा ही बराबर किया है। पहले ना लाते हैं बो लेते हैं ठीक है, हाँ। और उसके बाद सारा घास वास निकालना है, इधर भी कितना सारा घास बढ़ गया है, इधर लर फत्ती कितना सा लगता है, लर लग जाता है। तो अभी सीजन ही है कुछ खेती ती करने के लिए, बहुत सारे लोग गांव में खेती कर रहे होंगे, बट हम लोग ना यहीं पे खेती करके ना घर गांव का आनंद ले लेते हैं ना जी। इधर हम आम खा रहे हैं, ये घर का आम बराबर लग रहा है, कितना फर्क है, बहुत फर्क है, पूरा पसीने पसीने हो गए।
धूप माथा पे है, धूप हमारे जनाब जब तक पेड़ झुकता तब तक धूप उसी जब तक लेकिन कसान लग रहा का है जी कोई आम इतना कसान का है लगता है। हम बोलते हैं दशहरी मेरा ला दीजिए लेकिन ये आम्रपाली का है आम लेकर आते हैं। उसका बोकला छिलका खाली है खराब। मेरा पसंद है दशहरी है इनको पता है तब भी हम वही आम ला के देते हैं। ये वाला भी नहीं खाएंगे भी बड़ा होगा तब कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। मात्र एक ही पीस हुआ है बहुत सारा लगा हुआ था लेकिन एक ही पीस बचा। खेतों में बोना है ढेर सारा बीज जिसके लिए निकाल रहे हैं कि क्या क्या बोया जाए। और मक्का ये क्या निकाले भिंडी मक्का ही है भिंडी है इसमें खीरा का बीचा है और देखिए बोदी है ये झींगी का बीचा है। इतना कम? हाँ तो मार्केट से नहीं मंगाई तो घर से लाए मम्मी दी थी तो मायके से। तुम बोले कहानी पहले आता मैं तो हमको याद ही नहीं पड़ा। ओहो अब क्या करूं फिर बार बार लगाओगे? इतना काफी है मकई भिंडी बो दीजिए फिर कल लाएगा फर्श में जहाँ था फर्श बिन बो देंगे। वो तो ऐसे एक लाइन से बोते ना हम लोग एक लाइन से थोड़ी बोएंगे कहीं जहाँ था बोएंगे कि धूप काफी ज्यादा चलो फटाफट काम करो। चलिए इसमें तो पालक का बीज है तो पालक तो भी लगाएंगे नहीं बरसात का सीजन है ठंडक दिन में लगाएंगे पालक। और हम लोग मार्केट में जो मकई लगाते हैं ना सिर्फ बड़ा बड़ा होता नहीं फल मतलब उसमें ना दाना नहीं होता है। तो इस बार मम्मी क्या किया ना गांव से दी है मक्का लाके बोली कि बेटा छोटा इतना बड़ा बड़ा होगा मतलब मेरे साइज का होगा अभी फलना जो देना शुरू हो जाएगा अभी हुआ देगा उसके बाद ही हम लोग खाएंगे उसको और सबको भी खिलाएंगे। वो साहब का चला इधर होमवर्क इनका होमवर्क कम्प्लीट नहीं हुआ था बोलो अब ये हो गया ना जाकर नहीं ये बहुत देर से वो पढ़ रहा है बाबू पढ़ दो यहाँ पापा पढ़ रहे हैं पापा पापा उसमें लिखना नहीं है देखो पापा सब पहचान लेता है अब और इसके बाद ही पहचान लेगा देखिए आप सब एप्पल का एप्पल मैंगो अनार अंगूर सब पहचान लिया कंटिन्यू करवा रहे हैं तो आलू आलू वो तो वो भी आलू टमाटर प्याज भिंडी भिंडी नहीं भिंडी गोभी 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 और ये भी छीन रहा है पढ़ने के लिए इधर चिंकू भी तैयार है गाय खाने गाय अभी गाय नहीं पसंद पड़ता पूरा ये तो है ना गाय तो एक एक वर्ड को ना सीखो कुत्ता कौन है डॉग है डॉग कुत्ता हाँ कुत्ता पहचान लिया बाबू का टी शर्ट है टी शर्ट हाँ धोती कुर्ता और कैप्री और सूज सूज जूता जूता और मम्मी का ड्रेस किधर है मम्मी दोस्तों अभी मौसम तो अच्छा किया तो आ गए हम लोग खेतों में और यहाँ पर जो है ना रूबी क्यारी क्या टाइप में बना रहे हैं और इसी में मकई लगाएंगे। क्यों ऐसे तो मकई रोप सकते थे ना ज्यादा टाइम लगेगा ना ऐसे लंबा लंबा कर देते फिर डाल के फिर एक बार बराबर कर देंगे ना। तो देखो इनका नया स्टाइल क्या करते रहते हैं और दिमाग कहीं कहीं लगाते रहते हैं क्या हुआ हाफ चढ़ गया अभी हाफ चढ़ गया दो हम कर दे जाओ खाली कोड़ के छोड़ दिए ना तो सब काम हम ही कर दे नहीं तो हम भीड़ गए अब हम थक गए ना अब थोड़ा सा इतना कर दीजिए दो मिनट आराम करेंगे उसके बाद सारा बोएंगे हम रुक ना हम लोग बाहर नहीं रह पाते पूरा पसीने पसीने तो हो गए हैं पूरा देखिए हाल कैसा हो गया है पर कहीं पानी उन्हें गिरा है ना इसमें थोड़ा सा अच्छा ठंडा हवा लग रहा है और इधर चीकू बाइक के पास एकदम खेले जा रहा है इसको वहाँ रखे क्योंकि अंदर चिल्लाना शुरू करता है दोनों झगड़ा करता है डर लगता है कहीं दोनों गिर गया तो हो गया कल्याण। चलो यार आज फार्मर भिड़ गया है कामों में और देखते हैं किस तरह से मक्के को बोते हैं लगता भी है या फिर बो के छोड़ देते हैं। हर साल तो खाते हैं सबको खिलाते हैं खाते हैं लेकिन इस बार खास इसलिए ना कि मक्का आपका लग रहा ज्यादा ड्राई है मतलब धूप में छोड़ दी थी ना तो सूख गया होगा देखो कितना नदी नदी बो रहे हैं भिंडी कहीं कहीं डालेंगे ना समझो ना डालेंगे भिंडी को तो अगर भिंडी मत दो बो ना फिर वो बो दो कोई दिक्कत है हमको याद है यार कहाँ कहाँ बोना है एक्सपीरियंस है भाई 3 साल का क्योंकि यहाँ पे आए तभी से सब खेती बाड़ी के काम हम लोग शुरू किए हैं इसके पहले कहाँ हम लोग किए थे 15 में बहुत कम नहीं करा वहाँ पर सब मम्मी कर देती थी
रूबी आज ना पूरा धूल उड़ा दी, कुछ रोड पर धूल आता है अभी खेत में धूल उड़ा दिए। नहीं कोरते ना तो नहीं हो पाता, ये तो बढ़िया से कोरा गया है। कहाँ घास सही बात है, घास था वो हम लोचे थे छीन लिया, वही खेल जाए। कितना खुश है बेटा, वो अपना टंकी पर खेल रहा है। दोस्तों खेतों में काम करके हम थक गए और पसीने पसीने हो गए, ऐसे में आज रूबी मैडम का फरमाइश था समोसा पार्टी चलेगा, तो बस वही हो रहा है। सबके लिए आया है समोसा और साथ में सब्जी के लिए एक कटोरी लेके आऊंगी, इसमें सब्जी मिलेगा। डुगू साहब समोसा मिला है फिर भी और चाहिए, सब्जी खाने बोल रहा है। अच्छा आलू खाएगा, तो ये आलू खाने के लिए आए हैं। ये स्टाइल कहीं नहीं मिलेगा, मस्त स्टाइल है यार। अब आराम से उठा खाओ और खिलाओ दोनों को, समोसा मेरा फेवरेट नहीं है। उधर फिनिश कर दिए हैं और बच गया है इधर, तो पति देव जी अभी हेल्प कर रहे हैं, गड़ारी बना रहे हैं। सब घास निकालो, धूप कभी आ रहा है जा रहा है, लेकिन इंतजार भी नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए भीड़ करने के लिए बहुत दूर दूर लग रहा है कर दे रहे हैं जी। नहीं घास है कितना सारा, सब घास हटा दे रहे हैं अभी से, घास निकाल रहे हैं, जितना निकाल रहे उतने मिल रहा है घास, समझ में नहीं आ रहा है। और जान रहे हैं इसको कैसे कीजिएगा, इसको राउंड राउंड ना ऐसे से कर दीजिएगा, ऐसे से इसको ऐसे से करिएगा कि लंबे डालिएगा, ऐसे में डालिएगा तो दिख भी करेगा लंबैया में क्या। वाकई बहुत सुंदर दिखता है ये वाला डिजाइन करने के बाद, ये वाला डिजाइन करने के बाद ये तो लंबा होश मारता है इसे से मस्त ना, यहाँ से आ जाएगा पूरा जगह। अरे वाह, इधर तो होता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तो तब भी हो जाए ना, हमारा काम है हमेशा ना यहाँ पे नमी रहता है, इसी की वजह से नहीं हो पाता है। हाँ वैसे उससे करने से अच्छा ना कि आप ऐसे घिसट के ले जाइए ना भाई, जहाँ मेरा दिमाग काम करता है हम वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हैं, जहाँ पे इनका दिमाग काम करता है ये अपना दिमाग लगाते हैं, सबका अपना दिमाग लगाने का तरीका है। घास आ रहा है साथ में, बकरी और बैल तो बहुत ही चल रहा है, देखिए वहाँ कितना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है लोगों का, सब पता है वो लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग साग खोद रहे हैं। बाहर का हरियाली कितना अच्छा लग रहा है देखने में, उधर से लग रहा है एकदम काला बादल एकदम किए आ रहा है, बारिश तो जमकर होगा, हवा कितना मस्त चल रहा है, जैसे ही बादल होता है ना शुरू हो जाता है। कितना ऊंचा कर देता हूं, हां ठीक है नीचे आ जाता है, हां ठीक है नीचे कर दे, नहीं जी ठीक है ऊंचा ही रहने दीजिए। इधर डुगू एकदम अपना पढ़ाई में भिड़ल है, जब मूड करना पड़ रहा है जब मूड कर रहा देख रहा है। ओए ओए की हुआ यो, कल या परसों देखिए पानी में फुहारा दे देंगे ना तो थोड़ा नमी आ जाएगा उसमें, अभी जा रहे कपड़े चेंज कर लेते हैं, पर देखिए मिट्टी मिट्टी पूरा पैर अजीब हो गया है। हमें जो बुझाया हम इसमें बो दिए हैं, आप सब बताइएगा इसमें और क्या लगाना चाहिए था हमें, और जब निकलेगा इसमें से तो आप सब देख कीजिएगा, आप लोग तो वीडियो हमेशा अपडेट रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।